वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है। और संभाग के लिए एक शर्मनाक जो घटनाएं हुई है कि भाजपा जुमलेबाज है, मोदी जुमलेबाज है, और आज हमारी भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में हमारे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, उन्होंने काम नहीं किया। जनता समझ चुकी है कि जनता ये मान रही है कि हमारे साथ ठगाई हुई है, कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है, और जिस तरह से पार्टी में दल बदलू का जो हो रहा है, और बांसवाड़ा बागीदोरा विधानसभा और ये उदयपुर संभाग के लिए एक शर्मनाक जो घटनाएं हुई है कि जिस पार्टी में रह के वार्डपन से लगा के एमपी एमएलए प्रधान मतलब मंत्री तक बने, और उस पार्टी को जिस तरह के उन्होंने भाजपा में मतलब बयान दिया था 2 महीने पहले कि भाजपा जुमलेबाज है, मोदी जुमलेबाज है, और आज इस तरह से उधर डाइवर्ट हुए हैं, इस क्षेत्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव, हमारी भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में हमारे भाई जयकृष्ण जी आज आवेदन किया है, और मैं लोकसभा चुनाव का लड़ रहा हूँ। और कई मुद्दे हैं, एजुकेशन को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, रिजर्वेशन को लेकर हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज तक स्थानीय बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता, उन्होंने काम नहीं किया। तो अवश्य इस बार जनता हम पे भरोसा जता रही है, और अवश्य हम जीतेंगे। धन्यवाद, आभार। नहीं देखो, वो स्थानीय सिचुएशन क्या है वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, वो कुछ भी बोले, लेकिन जनता समझ चुकी है कि जनता ये मान रही है कि हमारे साथ ठगाई हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये परिणाम, ये जो गुस्सा है, वो वोट में तब्दील होगा। जनता बताएगी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनता ये भी बताएगी कि नेता ईडी के डर से भाग सकता है, जनता ईडी के डर से भागने वाली नहीं है। धन्यवाद। नहीं, अभी तक हमारा कोई क्लियर नहीं, हम लोग तो स्वतंत्र लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि जो कांग्रेस के साथ धोखा करके भागा है उसको सबक सिखाना है, तो कांग्रेस नहीं उतारे और हमको समर्थन करें। क्लियर हो जाएगा, वो कुछ भी बोले, लेकिन जनता समझ चुकी है कि जनता ये मान रही है कि हमारे साथ ठगाई हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये परिणाम, ये जो गुस्सा है, वो वोट में तब्दील होगा। जनता बताएगी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनता ये भी बताएगी कि नेता ईडी के डर से भाग सकता है, जनता ईडी के डर से भागने वाली नहीं है। अभी तक कांग्रेस हुआ क्या गठबंधन? कांग्रेस हुआ क्या सर? नहीं, अभी तक हमारा कोई क्लियर नहीं, हम लोग तो स्वतंत्र लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस को लगता है कि जो कांग्रेस के साथ धोखा करके भागा है उसको सबक सिखाना है, तो कांग्रेस नहीं उतारे और हमको समर्थन करें। जी, धन्यवाद।